तो झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा गया, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन जो कि झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक थे और हेमंत सोरेन के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक, यानी कि हेमंत सोरेन अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे और आज ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। कुछ ही घंटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। ये तस्वीरें संकेत दे रही है कि झारखंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और लगातार बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर और आक्रामक हो गई है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, अब राज्य के स्तर पर गहमागहमी तेज हो चुकी है क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। अमित मंडल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। नमस्ते अमित जी, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, जो चाहा आपको मिल गया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ये हमारी चाहत और किसी और की चाहत नहीं है, संवैधानिक चीजें हैं और संवैधानिक चीजों में अगर मुख्यमंत्री के कोई इल्जाम लगता है तो निश्चित तौर पर त्याग पत्र उनका होता है और नई सरकार बनती है, जो हो रहा है तो इसमें तो संविधान ने अपना काम किया है, इसमें किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। ऐसा तो कई इल्जाम आपने पहले भी लगाए ना, लेकिन इस बार दबाव कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। देखिए, इल्जाम पहले भी लगाए हम लोगों ने, सबूत के साथ इल्जाम लगाए और विपक्षी पार्टी होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन चीजों को उजागर कर, तो फिर विपक्षी पार्टी किस काम का। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ है नियम के नियम संगत हुआ है और जो होगा भविष्य में भी वो भी नियम संगत। लेकिन विधायक जी, चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुना गया है, अभी सूचना मुझे ऐसी आई है कि चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के लिए सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव किया है। अभी देखिए आगे क्या होता है, अभी सीएम साहब मिलने भी गए हैं राजभवन से, तो ये राजभवन को अब निर्णय लेना है कि विधायक दल के नेता कौन होंगे और कब शपथ ग्रहण होगा यदि हुआ तो। नहीं, यदि हुआ तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब अभी लंबा है संघर्ष, अभी इतनी जल्दी हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं। अभी तो सभी विधायकों को जो मेरी जानकारी है वो सीएम राजभवन में मिलने नहीं दिया गया है, तो मुझे लगता है कि जब वो लोग परेड करेंगे अपनी संख्या को दिखाएंगे और संख्या में बहुमत आएगा तो उसके बाद ही आगे का कुछ निर्णय होगा। अभी तो क्या मांग है इस पूरे क्योंकि खबर ही आ रही है आप लोग चारों राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह है और उनकी पार्टी के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है और जब मेजोरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है तो एक संवैधानिक क्राइसिस बन गई और जिस क्राइसिस में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, विधायक दल का नेता चुना गया है तो आपको ये अभी भी संशय है कि पार्टी नहीं विधायक दल का नेता चुनना अलग है और मेजोरिटी दर्शाना अलग बात है। मेजोरिटी जब तक नहीं दर्शाया जाएगा और जब तक मेजोरिटी के लिए पूरे विधायकों को परेड नहीं कराया जाएगा तब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे कि उनको पूरे मेजोरिटी का साथ सहयोग है और वो सरकार बनाने की स्थिति में। तो ये तो आपको ये संशय है कि क्या सीता सोरेन या फिर बसंत सोरेन बगावत कर रहे हैं? नहीं, देखिए जिस प्रकार से उन लोगों को खाली पेपर में साइन कराया गया है, जिस प्रकार से विधायकों को खाली पेपर में साइन कराया गया है और जिस प्रकार से सीता सोरेन जी और बसंत जी का स्टेटमेंट आ रहा है उससे साफ जग जाहिर है कि उनके अंदर में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है और जब सामंजस्य नहीं बैठ पाया है तो कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो किस करवट बदलेगा, कौन किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। अमित जी, विधायक जी, आपका बीजेपी का बी प्लान क्या है, प्लान बी क्या है? नहीं, बीजेपी का बी और ए प्लान है ही नहीं। बीजेपी तो शुरू से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रही है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने में का ये नतीजा है कि आज यहाँ के जनता को जस्टिस मिला है। जिस मुख्यमंत्री ने अरबों खरबों का घोटाला किया था, आज ईडी ने अपनी दबिश बढ़ाई है और ईडी ने जब दबिश बढ़ाई है तो आप परिणाम आपके सामने। लेकिन अगर राज्यपाल के और आप बहुमत का एक जिक्र कर रहे हैं, वो बहुमत का आंकड़ा दिखाकर अगर संवैधानिक नजरिए से, क्योंकि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की ताजपोशी मिल जाती है तो फिर इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी? बीजेपी संवैधानिक तरीके से चलना पसंद करती है और संविधान ये कहता है कि मेजोरिटी जिसके पास होगा सरकार उसकी बनेगी, ना खरीद के, ना फिरोक के, ना डर से, ना धमका के,
ये जो जेएमएम की सरकार है कुछ भी कभी भी कर सकती है। तो जब तक राजभवन में अपने मेजोरिटी को दर्शाया नहीं जाएगा, विधायक जी यानी गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है? नहीं, ईडी की गिरफ्तारी में अभी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। नहीं, हिरासत में वो खुद कह रही है। ईडी के नहीं, वो क्या कह रही है मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ईडी ने उनको, जो मेरी जानकारी है, ईडी ने उनको राजभवन लिया है, उनको राजभवन ले गए हैं और वहां पे उनकी मुलाकात गवर्नर साहब से हो रही है। अब हो सकता है वो अपना त्याग पत्र दे रहे हो या हो सकता है कुछ अन्य चीजें हो, लेकिन डिटेन करना और गिरफ्तारी करना अभी के डेट में मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जब तक कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आएगी तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। विधायक जी, आप लोगों को अगर मौका मिले तो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, वो अंतरात्मा की आवाज टाइप का? नहीं, देखिए कोई भी राजनीति जब राजनीति करता है तो सरकार बनाने के ही मकसद से करता है। हाँ। तो इसमें मौका मिलेगा, मौका मिलने का मतलब है मेजोरिटी हमारे हाथ में होगी, और जब मेजोरिटी हमारे हाथ में होगी निश्चित तौर पर कोई भी सरकार बनाने के लिए कवायद। लेकिन नंबर गेम में तो आप बहुत पीछे हैं झारखंड में। देखिए, नंबर गेम तो जब तक वो लोग अपना साबित नहीं करेंगे बहुमत, तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि किसके पास नंबर है और किसके पास संख्या ज्यादा है। लेट देम डिसाइड, लेट देम परेड देयर एमएलएस। जब वो कर देंगे और मेजॉरिटी उनके पास होगी तो स्वाभाविक तौर पर करेंगे। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। वो कहते हो ना आप, मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित तौर पर जितने राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसका नतीजा आ ही रहा है और मोदी के लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। नारा जनता के पास है, जनता डिसाइड। तो आप बिहार में कर सकते हैं, गोवा में कर सकते हैं, तो झारखंड में भी कर सकते हैं ना विधायक? झारखंड में संवैधानिक क्राइसिस है, बिहार में कोई संवैधानिक क्राइसिस नहीं हुआ था। जो एमपी में भी था, महाराष्ट्र में भी था, वो सब आप तो खैर। एमपी में जो हुआ था तो बकायदा उन्होंने रिजाइन करके चुनाव लड़के फिर से मेजोरिटी साबित किया था, वो सिचुएशन अलग और झारखंड का सिचुएशन अलग है। आपको हैरानी नहीं होती एक के बाद एक इस तरह की राज्य सरकारें अगर खतरे में आती है? तो राज्य सरकार खतरे में अपने करनी के कारण आई है। जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका यह नतीजा है कि ईडी ने कार्रवाई किया है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा सरकारें ही भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा वो भ्रष्टाचारी है, वो चाहे किसकी भी दल का हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।